ठीक है, तो स्टेट फाइल को बैकएंड स्टोरेज रखने का रीज़न यही है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में 10 लोग एक ही काम में लगे हुए हैं तो एटलीस्ट सब कोई उस काम को कर पाए, नहीं तो फिर क्या होगा कि हमें वेट करना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, अवनीत अगर काम कर रहा था वीपीसी के ऊपर में, तो अगर उसमें कुछ नया एक सबनेट ऐड करना है तो हम नहीं कर सकते हैं, वो अवनीत आएगा तभी होगा, क्योंकि स्टेट फाइल तो अवनीत के पास है। अगर हमने कर दिया तो क्या हो जाएगा कि वो हम हमें नया बनाना पड़ेगा, है ना, पुराने वाले को हम नहीं एडिट कर सकते, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए हम स्टेट फाइल को हमेशा एक कॉमन लोकेशन में, या फिर आप बोल सकते हो रिमोट रखते हैं, रिमोट रखने से अपने को वो फ़ायदा हो जाता है। मैं एक काम करता हूँ, ये जो कोड है इस कोड को भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ आपके यहाँ। इसी में डाल दें, यहाँ डाल दें, चलिए इसी। ये वाली फाइल एक्सेसिबल है ना आप लोगों को सबको? हाँ जी रोशन भाई, एक्सेस। ये भी है, और यहाँ पर मैं इसका बैकएंड रिन्यूअल वाला, अच्छा ये भी डाल देता हूँ, क्योंकि यहाँ से हमें मॉड्यूल्स का ना हमेशा ज़रूरत पड़ता रहेगा। टेराफॉर्म मॉड्यूल्स, आप अपनी मॉड्यूल्स लिख के भी टेराफॉर्म को कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हमने बैकएंड इनेबल वाला तो कल डिस्कशन कर लिया था, अभी हम सबसे पहले ना डिस्कशन करते हैं मॉड्यूल्स यूज़ कैसे होता है ना, या फिर कस्टम मॉड्यूल्स कैसे होती है यूज़, और मॉड्यूल्स की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। ठीक है, अभी जैसे एक सिचुएशन कल अवनीत ने भी डिस्कस किया था कि अगर हम मैन डॉट टी एफ में 4 रिसोर्सेज डाल देंगे एक ही साथ, है ना, और एक पर्टिकुलर रिसोर्स को चाहेंगे हटाने के लिए, ठीक है, तो वो पॉसिबल है या नहीं, या फिर सारा कुछ एक ही साथ ख़त्म हो जाएगा। तो बिल्कुल ये सही सिचुएशन था, है ना, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं मैन डॉट टी एफ में, अगर हमने डाल दिया 4 अलग अलग रिसोर्सेज के बारे में, ठीक है, और एक पर्टिकुलर रिसोर्सेज हमें डिलीट मारनी है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते थे पूरा पर्टिकुलर कोड को, ठीक है। लेकिन अगर हम मॉड्यूल्स यूज़ कर रहे हैं, है ना, और हम एक पर्टिकुलर रिसोर्सेज को, अब पहले देखते हैं कि मॉड्यूल्स यूज़ कैसे कर सकते हैं और उसका यूज है क्या। मॉड्यूल्स बेसिकली यूज करना ना, एक लेबल हम यू नो अप जा रहे हैं, जो अभी हमने बेसिक्स पढ़ा था कल टेराफॉर्म में, उससे एक लेबल अप हम जाते हैं, तब हमें मॉड्यूल्स हमें मिलता है। मॉड्यूल्स किस लिए यूज करते हैं, मान लो आपको एक एनवायरनमेंट लिखना है डेव का, ठीक है, फिर लिखना है क्यूए का, है ना, इनके लिए आपको टेराफॉर्म लिखना है, और लिखना है प्रोडक्शन का, ऐसा आपके पास सिचुएशन है। ऐसा आपके लिए आपके पास एक इन्वायरमेंट लिखना है आपको पर्टिकुलर में, और सब में एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि सारे में ना अपने को एक ईकेएस जो होता है ना ए डब्ल्यू एस में कुबरनेटीज क्लस्टर, ये हमें लॉन्च करना है। लेकिन हर एक के लिए डेफिनेटली डेव क्यूए प्रोडक्शन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का साइज डिफरेंट होगा, है ना,
T2 माइक्रो और ऐसा वैसा होगा, किसी में मीडियम होगा, किसी में लार्ज होगा, ठीक है। तो जो लाइंस ऑफ कोड आप देखोगे ना, अगर कोई मैन डॉट टी एफ है, तो मैन डॉट टी एफ में क्या होता है, लाइंस ऑफ कोड आप लिखते हो एवरी टाइम क्यूए फोल्डर बनेगा, ठीक है। क्यूए फोल्डर में जाओगे, क्यूए फोल्डर में वहां पर मैन डॉट टी एफ होगा, है ना, उसको आपको एग्जीक्यूट करना होगा। उसी तरह डेव में जाओगे और डेव इन्वायरमेंट में जाके क्यूए डेव का एक होगा, और उसमें जाके इन मैन डॉट टी एफ को एग्जीक्यूट करोगे, प्रोडक्शन में भी ऐसा ही करोगे, ठीक है। तो वहाँ पे मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड एवरीवेयर आपको क्या करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा ना हर एक फाइल में। अगर वो 200 लाइंस ऑफ कोड है, तो 200 लाइंस ऑफ कोड को आपको हर एक जगह कॉपी पेस्ट करना होगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि उतना जब आप कोड को कॉपी पेस्ट करते हो ना सब जगह, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको कुछ एरर आ जाए, है ना, जिसको कि आप डिबग करने में लगे हुए हो। तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है कि आपने सेम कोड को एवरी टाइम कॉपी पेस्ट करो और उसको यूज़ करो, अगर आपके पास रिपीटेटिव काम है तो, है ना। तो टेराफॉर्म बोलता है कि अगर आपके पास इस तरह के रिपीटेटिव काम है ना, तो आप क्या करो ना, एक ना मॉड्यूल बना लो। जैसे मान लो कि अगर आपको EC2 इंस्टेंस लॉन्च करनी है 4 अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो आप क्या करो, एक EC2 नाम से एक मॉड्यूल बना लो, ठीक है। या फिर हमने मॉड्यूल बना रखा है, उसको आप यूज़ कर लो, ठीक है। तो मॉड्यूल में क्या होता है, मॉड्यूल में बेसिकली अगर आप मॉड्यूल का स्ट्रक्चर देखोगे, यहाँ पे मैं कोई एक मॉड्यूल डाउनलोड करके पहले दिखाता हूँ आपको। EC2 हम क्या, ये स्क्रीन दिख रही है, बड़ा कर दो, टेराफॉर्म EC2 इंस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ ये सब फाइलें तो इतनी जरूरत की नहीं है, ये सब आप डिलीट भी कर सकते हो। rm-rf चेंज लॉग मेक फाइल फिर लाइसेंस और रिडमी, ये आप डिलीट कर दो। देखो अभी ना बहुत सिंपल है, अगर मैं सिंपल आपको एक रिसोर्स क्रिएट करने बोलता, तो आप यही तीनों फाइलें बनाते, है ना, मैन डॉट टी एफ, आउटपुट वेरिएबल, यही तीनों आप बनाते, है ना। अगर आपको यही चीज मल्टीपल टाइम्स करना है, तो आपने क्या किया, इसको मॉड्यूल लिखा। मॉड्यूल मतलब ये तीनों फाइल को जो लिखा है, उसमें जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है EC2 के लिए, ठीक है, वो सारी चीजें आपने यहाँ पे लिख दी, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, मतलब EC2 जो जो चीजों को सपोर्ट करता है। ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज चाहिए होता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि EC2 लॉन्च करो, तो आप वहां पर जाकर रुके वो सब चीजें नहीं सेट करने लग जाओ कि स्नैपशॉट्स का रिटेंशन पीरियड क्या होगा, है ना, ये सब चीजें नहीं करते हो। आप क्या करते हो, जाते हो अपना कंसोल में और अपने हिसाब से एक सब पर्टिकुलर सबनेट में कीज पेयर डालते हो और EC2 लॉन्च कर लेते हो सिक्योरिटी ग्रुप के साथ में, है ना। उसके बाद आप क्या करते हो, उसको एक्सेस करना स्टार्ट कर देते हो। लेकिन जब मॉड्यूल्स आप यूज कर रहे हो, तो मॉड्यूल्स में बेसिकली सारी पॉसिबिलिटीज डाली हुई होती हैं ऑलरेडी। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। तो नहीं भी करोगे, तो ये नहीं है कि कंपलसरी कि मॉड्यूल्स में जितने पॉसिबिलिटीज डाली हुई है, सारे के सारे मुझे यूज करने ही करने हैं। लाइक द यूजर डाटा बेस 64, हर एक चीज नहीं चाहिए आपको, ठीक है। तो कोई सी भी सर्विस की जो मॉड्यूल्स होती है, उसमें सारी पॉसिबिलिटीज डली हुई होती हैं, और वो लोकल्स डिफाइन करता है। लोकल्स का मतलब हो गया कि वो पहले अपने लोकल में ये सारी चीज़ों को सर्च करेगा, है ना, इन कोड्स को आपस में सर्च करेगा कि वार डॉट ए एम आई में ए एम आई की वैल्यूज पड़ी है या नहीं पड़ी है, इंस्टेंस टाइप उसका वार वेरिएबल फाइल में पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है, यूजर डाटा में क्या पड़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर लिखी हुई रहेंगी। उसके बाद एक वेरिएबल फाइल होगा, है ना, जहाँ पर कि पूरी वेरिएबल्स डिफाइन होंगी कि ये वेरिएबल्स हैं।
सर उसके रिगार्डिंग में। अब एग्जाम्पल में जाते हैं, जब आप एग्जाम्पल में जाओगे तो बेसिकली ये फाइल है जहां से कि आपको सर्विस को लॉन्च करनी है, ठीक है। तो ये वाली आप ये समझ लो कि ये ना क्या है, क्यूए डेव है ना, प्रॉड प्री प्रॉड ऐसा करके यहाँ पर आप बना सकते हो वैसे फोल्डर, ठीक है। तो मैं ना बेसिक्स में जाता हूँ पहले। बेसिक्स का मतलब हो गया एक ईसी टू होगा जिसमें कि वो अपने में ही आपको क्या क्या सर्विसेज लॉन्च करनी थी ईसी टू में है ना, विदाउट वॉल्यूम्स ईबीएस एक्सटर्नल ईबीएस के यहाँ पर वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इसकी जरूरत नहीं भी है क्योंकि ये यूजर डाटा है, ठीक है। तो यूजर डाटा आप यहाँ से भी पास कर सकते हो या फिर किसी वेरिएबल में डाल के भी पास कर सकते हो। तो ये बेसिकली यूजर डाटा पास कर रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो, मैंने आपको बोला था मॉड्यूल्स को कॉल कराने के लिए है ना, तो अभी ये क्या कर रहा है कि मॉड्यूल सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। तो सिक्योरिटी ग्रुप नाम का एक मॉड्यूल है, ठीक है, जो कहाँ पर पड़ा हुआ है, टेराफॉर्म एडब्ल्यूएस मॉड्यूल, ये गिटहब में पड़ा हुआ है ना। तो यहाँ पर इसकी पूरी लिंक देनी पड़ेगी आपको गिटहब की, उसका ये सिक्योरिटी ग्रुप बना रहा है इस मॉड्यूल्स को यूज़ करके। सिमिलरली इसको अगर रिसोर्स क्रिएट करने हैं तो यहाँ से तो ये रिसोर्स बाय डिफॉल्ट बना ले रहा है। मैं EC2 में जाता हूँ, EC2 वाले सेक्शन में जाता हूँ। देखो EC2 सेक्शन में जब ये गया तो इसको सोर्स, आपको ना हमेशा जब भी आप मॉड्यूल यूज करोगे ना तो आपको बताना पड़ेगा कि आपका जो बेस मॉड्यूल है वो कहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरह से आप बता सकते हो सोर्स, ठीक है। तो सोर्स इक्वल टू, इन्होंने बोला कि डॉट डॉट ये डॉट डॉट ये, मतलब जो मैंने सब कुछ लिख रखा है मेन कोड वो मेरे दो डायरेक्टरी पीछे है। तो जब भी यहाँ पर चीजें मैं जाऊँगा क्रिएट करने के लिए, ठीक है, रिसोर्स कोई भी क्रिएट करने के लिए जाऊँगा तो तुम इसको जाके पढ़ लेना, मैं इसको बोल रहा हूँ है ना, कि मुझे क्या क्रिएट करना है और कौन सी लाइब्रेरीज जरूरत है, क्या प्लगइन होना चाहिए, वो सारी वैल्यूज मैंने यहाँ डाल रखी हैं ऑलरेडी। तो तुम्हें ना ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तुम्हें चुपचाप से जाना है इस लोकेशन पे, और इस लोकेशन पे जाके EC2 के बारे में पढ़ना है मेन डॉट टीएफ को, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि उसकी वैल्यूज क्या है नहीं है। मैं यहाँ पर चुपचाप से सिर्फ वैल्यूज डाल देता हूँ कि मुझे क्या क्या चाहिए। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज डाल रहा हूँ कि अच्छा इंस्टेंस टाइप, तो मैं यहाँ पे वैल्यूज डाल दूंगा C5.large, ठीक है। तो ये खुद ही मैच कर लेगा कि अच्छा इंस्टेंस टाइप वहाँ पर लिखा हुआ है मैन डॉट टी एफ में है ना, और इसको उसकी वैल्यूज वेरिएबल में ये पड़ी हुई, तो ये खुद ब खुद यहाँ से पढ़ लेगा। उसी तरह सबनेट में तो टू लिस्ट, ये लिस्ट से निकालेगा। तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड में मत जाओ, हमने इसको और सिंपल भी कर सकते हैं कि अगर हमें सबनेट आईडी चाहिए तो सबनेट आईडी में डायरेक्टली आप दो आईडीज भी डाल सकते हो, दो पर्टिकुलर सबनेट की आईडी। ये क्या कर रहा है, ये खुद से ही सर्च कर रहा है ना। अगर आपको ऐसा नहीं कराना है तो ये लिस्ट सपोर्ट करता है, तो लिस्ट हमेशा आपको पता होना चाहिए कि लिस्ट जो होती है ना इस तरह के ब्रैकेट्स के अंदर होती है। देखो ये बड़ा वाला जो ब्रैकेट है ना, इसके अंदर में लिस्ट हमेशा डालते हैं। तो अगर आपको सबनेट, दो सबनेट डालनी है तो यहाँ पर आप दो पर्टिकुलर आईडीज आप डाल सकते हो। सिमिलरली पब्लिक आईपी चाहिए तो हमने हाँ बोल दिया, प्लेसमेंट ग्रुप चाहिए तो हमने बोल दिया कि हाँ प्लेसमेंट ग्रुप ऐसा होना चाहिए है ना, और उसके बाद वॉल्यूम्स ब्लॉक्स डाल दिए और बस। तो इतने में हम EC2 इंस्टेंस को लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। हमें सारे का सारा कोड नहीं चाहिए, जैसे इसने बहुत सारा कोड यहाँ पे लिख दिया है, अपने को उतना नहीं चाहिए। अपने को सिर्फ एक सेक्शन से भी हमारा काम चल जाएगा कि हमने अगर ये वाला सेक्शन लिया, ठीक है, तो इससे भी हमारा काम चल जाएगा। अभी इसको एक EC2.tf, अच्छा यहाँ पे
ये बेसिकली वीपीसी आईडी निकाल लेगा है ना मेरे लिए, अमेजोन की एएमआई निकाल लेगा। अगर मुझे ये चीज़ नहीं डालनी है ना, ठीक है, तो मैं इसको हार्डकोर भी कर सकता हूँ कि वीपीसी आईडी इक्वल टू दिस है ना, एएमआई इक्वल टू दिस, ऐसे करके डाल सकता हूँ डायरेक्टली भी। सिक्योरिटी ग्रुप ये सारे कुछ मैं हार्ड कोड कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली आप यहाँ से देख रहे हो कि वीपीसी आईडी इक्वल टू ये पढ़ रहा है, कहाँ से पढ़ रहा है, तो डाटा डॉट ए डब्ल्यू वीपीसी, ये ऊपर में डिफाइन है ना, यहाँ पे डिफाइन है। तो आप जब भी अगर आप स्टार्ट करोगे लिखना, तो या तो आप ये वाला एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो, या फिर आपको अगर थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेशन वहाँ पे लगेगा तो आप बिल्कुल सिंपल भी यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर कि आपको आपको जो सबसे आसान लगे ना, आप वही काम करो, ठीक है। थोड़ा भी डिफिकल्ट काम में मत जाओ आप, उसको कर देते हैं डिलीट। अच्छा 1 सेकेंड, ठीक है। तो बेसिकली मेरा टास्क था कि मुझे EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने हैं, है ना। तो मैंने क्या किया, इस EC2 इंस्टेंस को क्रिएट करने के लिए और रिपीटेटेड टास्क नहीं हो उसके लिए मुझे क्या, मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे गया मॉड्यूल्स में, टेराफॉर्म AWS मॉड्यूल्स के अंदर में, यहाँ से EC2 मॉड्यूल्स को डाउनलोड किया, ठीक है। यहाँ से क्लोन जैसे करते हैं ना, आप क्लोन कर लो। क्लोन करने के बाद में एक फोल्डर बनाया मैंने मॉड्यूल्स नाम से, जो आपको यहाँ पे दिखेगा, ये मॉड्यूल्स नाम से एक फोल्डर बनाया, ठीक है। इस मॉड्यूल्स में मैंने ये तीनों फाइलों को डाल दिया, मेन डॉट टी एफ, आउटपुट डॉट टी एफ और वेरिएबल्स, सिर्फ यही तीन फाइल्स मैंने डाले हैं, ठीक है। उसके बाद इसके पैरेलल में, जैसे यहाँ पे एक फोल्डर है, उसी के पैरेलल में एक फोल्डर मैंने बना दिया अपनी एप्लीकेशन के नाम्स के हिसाब से, एक फोल्डर बना दिया मैंने, या फिर आप इसको कैसे भी बना सकते हो, आप इसको डेव बना लो है ना, प्रोडक्शन बना लो, जो मर्जी है आपका, उस तरह से आप एक फोल्डर बना लो। जब आप फोल्डर बना लोगे तो आप बेसिकली फोल्डर के अंदर में आप क्या कर रहे हो, अपनी एप्लीकेशन, मतलब अगर आपको EC2 बनाना है तो आप एक EC2 बना रहे हो। चलो मैं ना एक अभी आपके सामने बना के देखता हूँ, यहाँ पे एक मैं बनाता हूँ EC2, ठीक है। मैंने एक बनाया यहाँ पर EC2। अब इस EC2 में मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ EC2 के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या रिक्वायर्ड है, मेन डॉट टी एफ और आउटपुट बस, ठीक है। मुझे सारी चीज़ें नहीं चाहिए, मैं गया यहाँ पर दो चीज़ें डाल दी, मेन डॉट टी एफ और आउटपुट, है ना। याद रखना मेरा एक फोल्डर है, उस फोल्डर में मॉड्यूल्स है जिसको मैं कॉल करूँगा हर एक बार, ठीक है। चलो अभी एक EC2 बन गया, मेन डॉट टी एफ और आउटपुट बन गया, इसको थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं। तो अभी चलो जल्दी से अपने EC2, सॉरी अपने गैस के बकेट चाहिए ना, ठीक है। अभी तो फिलहाल मैं आप लोगों के सामने ये डिफॉल्ट वाली ही डाल देता हूँ है ना, लेकिन आप लोग जब लॉन्च करोगे ना, तो प्लीज़ किसी अपने VPC के अंदर में करना है ना, एक VPC बनाना, उसके अंदर में ही करना, बैकएंड में डिफॉल्ट में मत करना, नहीं तो थोड़ा सा कम लर्निंग हो पाएगी, ठीक है। वेरिएबल VPC, VPC बस मैंने वेरिएबल डिफाइन किया है VPC, और उसका आईडी दे दिया, ये है मेरी VPC, ठीक है। तो जब मैं VPC यहाँ पर दूंगा तो वो ऑटोमेटिकली मेरे वेरिएबल्स और वैल्यूज को पढ़ लेगा। इसको USHist 1 कर दो, ठीक है।
काउंट कितना मशीन चाहिए, तो बेसिकली मैंने बोला एक मशीन चाहिए। अब ये सब चीज़ें जो है ना, काउंट वगैरह ये सारी चीज़ें वहीं से उठ के आ रही हैं, मॉड्यूल से। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लो कि लाइन नंबर 15 में मैं बोल रहा हूँ कि सोर्स यहाँ से करो। ठीक है, एक डायरेक्टरी, दो डायरेक्टरी पीछे जाओ, वहाँ पे मॉड्यूल होगा, मॉड्यूल के अंदर EC2 होगा, वहाँ से पढ़ना है तुम्हें चीज़ों को। ठीक है, वैसे मुझे थोड़ा सा ये डायरेक्टरी का पाथ चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने चेंज कर दिया, तो हो सकता है कि मुझे एक दो डायरेक्टरी का पाथ ऊपर नीचे करना पड़े, बट वही तरीका है। और बैकएंड में, अच्छा चलो बैकएंड का प्रोफाइल की जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना है, सिक्योरिटी ग्रुप, AMI ID डालनी है और सबनेट डालना है बस। तो चलो जल्दी से EC2 के पास यहाँ से उठाओ पहले AMI ID। अरे यार ये तो बहुत देर से चल रहा है। AMI ID है T2 माइक्रो, सबनेट आईडी मुझे ये दे देगा। दो सबनेट्स में लॉन्च करूंगा, एक में ये कर दिया, ठीक है, दूसरा अरुण सबनेट। भाई, हाँ जी, AMI AM AA हो गया, AMI AA हो अच्छा गया, अच्छा AMI में ठीक है, चलो बता दूँगा, कर लेता हूँ चेंज। ठीक है, डेव नाम कुछ भी दे दो, तो डेव दे दिया मैंने। अब रहा मेरा सिक्योरिटी ग्रुप ना, तो EC2 इंस्टेंस के पास जाओ और इससे बोलो मुझे सिक्योरिटी ग्रुप की ID चाहिए, ये मिल जाएगा ग्रुप की ID। मैंने यहाँ पे ग्रुप की ID डाल दी। ठीक है, ये हो गया हमारा सबसे सिंपल और सटीक। इसको मैं डिलीट मार देता हूँ फिलहाल। अब रहा ये एक डायरेक्टरी, दो डायरेक्टरी। अब मुझे देखना है कि मैं जहाँ पर बैठा हूँ वहाँ से मॉड्यूल कितनी दूरी पर है। 13.5 क्लास, इसमें यहाँ जाओ, यहाँ पे ट्राई रन, यहाँ पे ड्राई रन में जाओ। ड्राई रन में मैं बोल रहा हूँ EC2 के अंदर में मैं हूँ ना। अब इसको एक डायरेक्टरी और पीछे हो गया, एक डायरेक्टरी और पीछे। ठीक है, अब इसको कर दो सेव और एक बार इसको कर दो ट्रिगर। EC2 फट गया, क्यों फटा? फाइल जो है मॉड्यूल से, तो सोर्स पाथ गलत है ना,
सिस्टम कैन नॉट फाइंड पाथ स्पेसिफाइड, उसको वो पाथ मिला नहीं, नहीं मिला तो एग्जैक्टली पाथ ही दे देते हैं अपन। AWS के अंदर में मॉड्यूल्स था, मैं यही उठा के दे दे रहा हूँ टाइम बिंग के लिए ना, मैं यही दे दे रहा हूँ ठीक है, ताकि ज्यादा के अंदर में EC2 ठीक है। अब तो फिर से कर अरे फिर से मर गया। हाँ द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द पाथ स्पेसिफाइड, अरे तो से पीछे जाओ तो तुम कहाँ पहुंच जाओगे। यहाँ पर AWS है और मॉड्यूल है, AWS है और मॉड्यूल है और इसके अंदर में यहाँ इसमें पैरेलल जो पाथ डाला है कितने पीछे डाला है, यूआई के पीछे ये और इसके पीछे ये, इसमें मॉड्यूल है ठीक है, AWS वाले में मॉड्यूल है, तो एक डायरेक्टरी पीछे गया, दूसरा डायरेक्टरी पीछे गया, AWS के अंदर में ही रहा, मॉड्यूल्स मिला। अच्छा तो अगर हम यहाँ पे इसको अभी अपन जो बैठे हैं AWS के अंदर में परफेक्ट। डाउनलोडिंग प्लगइन फॉर प्रोवाइडर, इसमें समझ आया या फिर कोई कंफ्यूजन है अपने को अभी कि ये क्या हो गया, मतलब कुछ ऐसा जो नहीं अपने को समझ आ रहा। समराइज कर दो उसको एक बारी, ठीक है थोड़ा सा रुस्मा ये बता रही, बाकी तो समझ आ गया, वो बाकी तो समझ आ गया, वो डॉट 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 जो बैकएंड का कर रहे हो वो थोड़ा समझ नहीं आया कि कैसे पीछे और वो कैसे कर अच्छा रहे हो। वो ना यार बता दे, तो वो मेरी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का कैलकुलेशन था और कुछ भी नहीं। बेसिकली मैंने बहुत अंदर अभी मैं घुस गया हूँ ना, देख रहे हो 4-5 डायरेक्टरी के अंदर घुस गया हूँ ना,
तो मैं बेसिकली उसको बता रहा था ना कि तुम्हारा मॉड्यूल्स कहाँ पर पड़ा हुआ है, बस और कुछ नहीं। वो सीडी डॉट डॉट करके जैसे अपन करते हैं ना, कहीं अपने को जाना है तो, बस मैं उसको बता रहा हूँ कि तुम्हारा मॉड्यूल्स जो फाइल में बोल रहा हूँ सोर्स, वो कहाँ पर पड़ा हुआ है, वही बता रहा हूँ मैं उसको, और कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। ये वैसे फट गया है, सबनेट आईडी डज नॉट एक्सिस्ट, ठीक है कोई बात नहीं, और कोई बड़ी बात नहीं, वो देख लेंगे अपन। आप ये पूछ रहे थे ना, अच्छा, ये गलत, सॉरी। ये जो डॉट डॉट करके मैं जो कैलकुलेट कर रहा था ना, मैं उसको बोल रहा था कि मैंने फाइल कहाँ पर बनाई हुई है ना, मेरा जो है आप देख रहे हो ना, EC2 डॉट, रिकॉर्डिंग पहुँचा देता है, देखो ये वाले वाइट स्पेस में देखना जहाँ मेरा एरो है ना, मैं बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, ड्राई रन माइनस अक्टूबर फॉरवर्ड स्लैश EC2 है ना, तो यहाँ पर तो मैं बैठ के वो कमांड चला रहा हूँ, लेकिन जिसको मैं रेफर कर रहा हूँ, जिस फाइल फोल्डर को, वो कहाँ पर है, तो मैंने उसको फिर वहां से देखा कि वो ना इस लोकेशन में, इसके पैरेलल में, मैंने बोला था ना कि पैरेलल में बना लेना एक डायरेक्टरी मॉड्यूल्स नाम से, है ना, तो मैंने बस यहाँ पर वो बता दिया कि यार ये ना इस लोकेशन पर है, तो बेसिकली आप पाथ बता रहे हो कि कहाँ पर है, और कुछ भी नहीं कर रहे हो आप, समझे। ओके तो मैंने यहाँ पर बता दिया कि ये ना यहाँ पर मॉड्यूल्स पड़े हुए हैं, तो अब जब ये सब चीजें पढ़ने जाएगा ना, नेम, AMI, इंस्टेंस काउंट, ठीक है, तो ये सब चीजें ना उस समझेगा कैसे कि मुझे आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने कहीं रिसोर्स नहीं लिखा है ना, कल हमने बात की थी ना कि रिसोर्स लिखने का मतलब होता है नया कुछ बनाओ, राइट, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है कि नया कुछ बनाओ, तो इसका मतलब है कि वो समझेगा कैसे कि मुझे रिसोर्स बनाना है, तो जब वो सब चीज पढ़ने जाएगा ना, रिसोर्स क्रिएशन और ये सब चीजें, तो वो यहाँ इस वाली फाइल में जाएगा और इस वाली फाइल के मेन डॉट टीएफ में जाके वो पढ़ लेगा ऑटोमेटिकली कि मुझे रिसोर्स बनाना है। रोशन बोल रहा है ये जो मॉड्यूल, जब रोशन ने लिख दिया है सोर्स, इसका मतलब है कि इस वाले मॉड्यूल्स के अंदर में जो भी चीजें हैं उसके कुछ पैरामीटर्स यहाँ पर रोशन डाल रहा है, इट मीन्स वो ये क्रिएट करना चाहता है, समझे। तो आप एक बार, एक आप दो आप लोग एक बार ये मॉड्यूल्स यूज करके देखना, ठीक है। पहले तो एज सिंपल एज इट इज इसको बनाना, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करना, ठीक है, तो वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। और मैंने यहाँ पर ये बता दिया है आप लोगों को ना, EC2 वाला, सॉरी मॉड्यूल्स वाला, तो सबसे पहले आप लोग एक VPC बनाना, VPC के अंदर फिर EC2s बनाना, तो ये जो टास्क है ना हमारा, इसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए आप लोग सोचना है ये, ठीक है, और थोड़ा सा जल्दी कर लेंगे ये वाला टास्क, थोड़ा हमारे लिए अच्छा होगा, है ना। यहाँ पे देखो, प्रोविजन AWS VPC यूजिंग टेराफॉर्म, यू कैन क्रिएट, AWS VPC मॉड्यूल्स ऑफ टेराफॉर्म, या फिर यूज कर लो मॉड्यूल्स को, कोई नहीं बनाता है अपने से ना, कोई मॉड्यूल्स मॉड्यूल्स नहीं लिखता है, हर कोई क्या करता है, जो यूनिवर्सल मॉड्यूल्स हैं उसी को यूज करता है और अपने हिसाब से यूज कर लेता है, मतलब आपको एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें चाहिए, जैसे आप देख रहे हो ना उस मॉड्यूल्स में कितनी सारी चीज़ें थी, लेकिन मैंने बस इतना ही लिखा है जितना मुझे चाहिए, है ना। अगर आपको डाटा सोर्स मतलब वो यूज़र डाटा पास करना है, तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा यूज़र डाटा वाली चीज़ें डाल देना, ठीक है, तो बेसिकली यही टास्क करना। और ये जो मैंने लिखा है वेब सबनेट और एप्लीकेशन सबनेट, इससे आपको पता चल ही गया होगा कि अपने को 6 सबनेट्स बनाने हैं, तो 2 प्राइवेट 2 पब्लिक होने चाहिए, ठीक है। तो अब सबनेट्स वाला, जब VPC वाला मॉड्यूल्स आप जाओगे ना, गूगल करोगे इसमें, तो VPC वाले मॉड्यूल्स में ना वो सबनेट्स भी बना रहा है, ठीक है, तो नंबर ऑफ सबनेट्स आपको कितने चाहिए वहाँ पर आप नंबर्स डाल के, और जो इंटरनेट गेटवे वगैरह अटैच करना होता है वो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। देखो ये यहाँ जाना, एग्जाम्पल्स में जाना, ठीक है, एग्जाम्पल्स में कंप्लीट VPC लिखा हुआ है, राइट, इसको उठाना, मैन डॉट टी एफ में जाना और इसको एक बार गो थ्रू कर लेना, पढ़ लेना, देखो ये एग्जैक्टली है ना, प्राइवेट सबनेट कितने चाहिए, तो इसको 3 बना रहा है वो, ठीक है, बट मैंने आपको बोला है 2 ही बनाने के लिए, तो एक हटा देना पीछे से, ये वाली डिलीट मार देना, फिर मैंने बोला पब्लिक सबनेट 2 चाहिए, तो ये 2 ही रखना, एक डिलीट मार देना, डाटाबेस रखना और ये सब डिलीट मार देना, जैसे नहीं चाहिए जो चीज़ वो डिलीट मार देना, है ना, ये ऐसे करके यूज करना। और पहले ना पूरा का पूरा कोड डाउनलोड कर लेना अपने लोकल लैपटॉप में, पूरा गिट क्लोन करना, डिलीट डाउनलोड कर लेना,
डाउनलोड करने के बाद क्या करना, आपको अभी अभी मैंने बताया था कि अपने को सारी चीजें नहीं चाहिए होती हैं, है ना। जब अपन अपने को सारी चीजें नहीं चाहिए, दैट मीन्स कि ये सब नहीं चाहिए, सर्कल सीआई और जो भी फालतू चीजें है ना वो नहीं रखना। अपने को क्या चाहिए, एग्जाम्पल फोल्डर चाहिए और ये चाहिए मेन डॉट टी एफ आउटपुट और वेरिएबल, ठीक है। और टी एफ वाली फाइलें रख लेना, इंड पॉइंट भी रख लेना, क्योंकि आपको थोड़ा मन करेगा तो आप इंड पॉइंट के साथ भी आरएनडी कर सकते हो, ठीक है। तो सिर्फ टी एफ वाली फाइलें रखना। ये जो फाइलें हैं ना 1 2 3 4 टी एफ वाली, है ना, इनको एक फोल्डर बनाना मॉड्यूल्स, ठीक है। मैंने अपने मन से बना दिया था मॉड्यूल्स, आप भी अपने मन से एक फोल्डर बना देना मॉड्यूल्स, ऐसा सा मॉड्यूल्स, ठीक है। मॉड्यूल्स फोल्डर में आप ये सारे तीन जो फाइलें हैं ना उसको EC2 नाम या VPC नाम से एक उसके अंदर एक डायरेक्टरी बनाना। मॉड्यूल्स के अंदर एक डायरेक्टरी बनाओगे VPC, जैसे मैंने बनाया है VPC, ठीक है। वहां पर ये सारी फाइलें आप डाल देना। उसके बाद आप जहाँ मॉड्यूल होगा ना, जैसे ये मॉड्यूल है, मॉड्यूल के एक पीछे, मॉड्यूल के अंदर नहीं, मॉड्यूल के बराबर में, जैसे मैंने यहाँ बनाया, यहाँ पर एक फोल्डर बनाना EC2 या फिर VPC, ऐसा करके, ठीक है। VPC फोल्डर के अंदर में आप क्या करना, ये वाला उठाना कंप्लीट VPC, है ना, और इसको वहां पर कॉपी पेस्ट कर देना, ठीक है। फिर आप जब ये कमांड चलाओगे ना, आप डायरेक्टली, जैसे कि आप ये भी तो वही कर रहा है, सोर्स बोला डॉट 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 डॉट, मतलब दो डायरेक्टरी पीछे जाओ, दो डायरेक्टरी जैसे ये पीछे जाएगा उसको वो मॉड्यूल मिल जाएगी, राइट। ये बस, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कॉमन सा चीज़ है, आप लोग समझ ही गए, मैं बेकार ज़्यादा नहीं बोलूँगा, है ना। और इसमें वो सब जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए वो आप डिलीट मार लेना, एक बार पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या रख सकता हूँ क्या नहीं रख सकता। जैसे EC2 का एंड पॉइंट नहीं चाहिए, है ना, इंड पॉइंट तो अपने को बनाने नहीं है, मैंने उसमें लिखा भी नहीं है, तो इंड पॉइंट नहीं चाहिए, डिलीट मारो। VPC इंड पॉइंट नहीं चाहिए, डिलीट मारो। ECR नहीं चाहिए इंड पॉइंट, इंड पॉइंट तो आपको कुछ भी नहीं बोला है मैंने, सारे इंड पॉइंट्स को आप डिलीट मारना। आपको मैंने बोला है सिर्फ और सिर्फ EC2 बनाने के लिए, ठीक है। तो सिर्फ EC2 सॉरी VPC बनाने, तो सिर्फ VPC वाले चीज़ें रखना, फालतू चीज़ें डिलीट मार देना, इंड पॉइंट फुंड पॉइंट अपने को नहीं चाहिए, है ना। तो आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा एक VPC जिसमें कि ये सारे मॉड्यूल्स होंगे, तीन तीन क्या होंगे, सबनेट्स होगा, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं, एंड पॉइंट एक भी नहीं होगा, है ना, अपने को एंड पॉइंट नहीं चाहिए, बस। इससे आपका VPC क्रिएट हो जाएगा। सिमिलरली आपको अगर कुछ भी और भी बनाना है, ठीक है, जैसे यहाँ पर बोला ना कि लॉन्च EC2 इंस्टेंस इन ऑल थ्री सबनेट्स, तो ये आपको पता ही है, जब EC2 इंस्टेंस लॉन्च करने के लिए हर एक सबनेट्स के अंदर में लॉन्च करना है, तो तीन बार में EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर लेना अलग अलग सबनेट्स में, है ना। अब ये बोल रहा है लॉन्च EC2 इंस्टेंस विथ एक्सटर्नल EBS ऑफ 10 GB। अभी अभी मैंने आप लोगों को दिखाया था एक EC2 वाला, इसी मॉड्यूल्स के अंदर में मैंने आप लोगों को दिखाया था ना EC2 के लिए, जहाँ पर कि क्या था, वो बोल रहा था कि एक्सटर्नल हार्ड डिस्क अटैच करना है क्या, है ना। ये रहा कंप्लीट VPC, इसके पीछे जाओ, हाँ ये बोल रहा ना वॉल्यूम अटैचमेंट, मतलब EC2 इंस्टेंस के साथ में वॉल्यूम्स भी ऐड होना चाहिए, राइट। ये देखो, ये एक्सटर्नल वॉल्यूम अटैच कर रहा है ना एक EBS, पहले EBS क्रिएट कर रहा है फिर EBS अटैच कर रहा है, तो बस इसी को यूज कर लेना, सिंपल। चौथे में बोल रहा है कि ASG ऑटो स्केलिंग लोड बैलेंसर के साथ में, ये भी आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा वही उसी मॉड्यूल्स वाले फोल्डर में ही मिल जाएगा, ठीक है। अब बकेट एक्सेस, ये तो सबसे पहले हमने कर लिया, तो ये बहुत आसान है, मुझे लगता है कि आप लोग 2 3 दिन में ये कर लोगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा जल्दी निपटा लेना तो हमें थोड़ा सा आसान हो